बर्गीनगर चौकी क्षेत्र के ग्राम पंचायत मगरधा के ग्राम बिजोरा की महिलाओं ने बर्गी थाने में रैली निकाली, नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपा, जिसमें नन्हे लाल रजक सरपंच इंदर सिंह ने बताया कि अगस्त में ग्राम सभा में प्रस्ताव पास कर शराब बंद करने का आवेदन चौकी बर्गी में दिया गया था, लेकिन आज तक जो है वो शराब बंदी नहीं की गई है, जिसको लेकर आज थाना प्रभारी के सामने ज्ञापन सौंपा गया और शराब बंदी और चौकी प्रभारी को हटाने की भी मांग की गई, जिसमें जिला पंचायत सदस्य मुन्नीबाई, जनपद सदस्य दयावती, किशोर यादव, पूनाराम पाठक, राजकिशोर तिवारी, विकास खन्ना, शुभम अवधिया, अनिल मेहरा, फूलाबाई, ममताबाई, पुत्तोबाई, रोशनीबाई, छोटीबाई, पंकज चौरसिया, चेतन नागवंशी, हिम्मत झारिया, प्रकाश थापा, शनि ब्रह्मे समेत ग्रामीण जन उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। मैंने इतने मुश्किल मजा के आज यहाँ पर ऐसी बेकारी हो रही है, लड़के बच्चे परेशान हो रहे हैं, सब लोग दारू पी के वहाँ पर लूट रहे हैं, बाहर ही आके लोग दंगा कर रहे हैं, चोरी चपारी हो रही है, 7 गाड़ियों की चोरी हो गई है, आज तक चौकी प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की है, गांव में वहाँ पर बर्गीनगर में हर जगह चोरी चपारी बढ़ रही हैं, बहुत चौकी प्रभारी अपने चौकी में बैठे हैं, कार्रवाई एक नगर नहीं होती है, हमने बार बार आग्रह किया उनसे पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, हमारी मांग ये है आज यहाँ पर आए हैं कि हमारे गाँव में शराबबाजी बंद हो और चोरियों जो हो रही हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो और तत्काल वहाँ थाना प्रभारी को हटाया जाए, जिससे हम लोग सुख शांति से रह सकते हैं। मेरा नाम पूनाराम पाठक है, मैं पूनाराम पाठक हूँ, जन अधिकार सेवा संघ के अध्यक्ष हूँ। वर्तमान में आज हम लोग यहाँ पर बर्गी थाने आए हुए हैं और हमारे क्षेत्र में शराबबाजी इतनी ज़्यादा हो रही है, भट्टी अलग है पर गांव गांव घर घर जा जा के बिजोरा गांव में, मगरदा गांव में, हर बर्गी नगर में जा जा के घर घर में शराबबाजी हो रही है। पुलिस चौकी प्रभारी को हमने एक महीने पहले ग्राम सभा का प्रस्ताव दिया था, आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी बताएंगे। जी हम लोग बर्गी नगर कॉलोनी से आए हैं, वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, शराब बिक रही है बिजोरा गांव में, मगरदा गांव में, मतलब पूरे क्षेत्र में ही बिक रही है, तो बहुत लोग परेशान हैं, इसलिए सब लोग यहाँ आए हैं कि भाई वहाँ पे मात्र शराब बंद हो जाए, शराब बंद हो जाए तो जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये बहुत पी के मतलब भाई बर्बाद तो बच्चे ही हो रहे हैं ना, वो घर के लोग पीड़ित रहते हैं, जो शराब पी के आते हैं गाली बकते हैं, भाई गांव के आते हैं पी के तो वो भी गाली बकते हैं, शराब बंद हो जाएगी और हमको हमारा जो चौकी प्रभारी है मिश्रा जी, उनका चौकी प्रभारी का आशुतोष मिश्रा जो है, तो वो यहाँ वहाँ से मतलब हट जाए, वहाँ से हटा दिया जाए चौकी प्रभारी को। शराबबंदी को लेकर बर्गीनगर थाने में जो ज्ञापन दिया, चौकी बर्गीनगर अंतर्गत ग्राम गुल्लापाट और अन्य ग्राम के लोगों के द्वारा वहाँ बिक रही शराब के संबंध में ज्ञापन दिया है, शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करके शराब को पूर्ण रूप से वहाँ पर बंद कराया जाएगा, जो भी दोषी होंगे शराब बिक्री कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर लगातार ऐसी शिकायतें मिलती है बर्गीनगर चौकी के अंतर्गत कि कार्रवाई के नाम पर एक दो पाव शराब पकड़ के उनको कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन 34 बड़ा मामला नहीं बनाया जाता, इसे सर क्या कहना? जिस मात्रा में शराब मिलेगी उस मात्रा में कार्रवाई की जाए, जिस भी मात्रा में शराब मिलेगी उनके विरुद्ध उस मात्रा में कार्रवाई की जाए। बर्गीनगर के लोगों का ये भी कहना है कि सर चौकी प्रभारी और शराब माफिया द्वारा दोनों की मिली भगत से जो काम चल रहा है, इसे सर क्या कहना चाहेंगे? मैं पता करा लेता हूँ, जो भी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया खबर 24 न्यूज चैनल को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ ही ताजा तरीन खबरों की तमाम नोटिफिकेशन अपने मोबाइल फोन पर पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।